योगी जी कहते हैं और उनकी टीम कहती है कि 4 बजे जगते हैं, देर रात तक 10:30-11 बजे तक काम करते हैं। उसकी तुलना में कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी इतनी मेहनत नहीं करते। अरे कहना क्या चाहते हो? वो मतलब जो 2400 घंटे सातों दिन 365 दिन वाला जो नेता है, जो एफर्ट चाहिए, वैसी आप मेहनत नहीं करते। कौन? आपको कैसे पता 4 बजे जगते हैं? तो कहते हैं, आप बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं जगते? अरे मेरे भी लोग कहते हैं कि मैं 3:30 बजे जगता हूँ। ये क्या बात हुई? नंगा करके नहला रहा। अरे 3:30 बजे जगता हूँ मैं सुबह। क्या करते हैं आप 3:30 बजे जग के? वही मैं जानना चाहता हूँ, 4 बजे उठ के क्या करते हैं वो? वो तो नहीं, उन्होंने खुद बताया कि वो ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन। मैं भी यही सब करता हूँ, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, मैं भी भजन सुनता हूँ। म्यूजिक पहला ये कि 400 सीटें जब आपको आ रही हैं तो ये 3 सीटें आपने किसके लिए छोड़ दी? मगर क्यों? लोकतंत्र मजबूर रहे विपक्ष के लिए। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? सारे सवाल जवाब यहीं पर होंगे। सारे होंगे आज यहीं होंगे। प्रमाण दो मुझे आज। और आपकी आवाज आज तक के जरिए ही आगे जा रही है। आज तक की आवाज, आप तो प्रिंसिपल बन रही है बीजेपी वालों की। संबित पात्रा साहब को क्वेश्चन देते हो, राकेश टिकैत साहब नकल करवाते हो, आपको लगता है कि माय आंसर आल्सो द सेम, नथिंग, नो डिफरेंस। जाट वोटों पर जरा मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूं, मेरा उस क्वेश्चन पे ही नहीं, किसान की बात करो आप। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। आप जहाँ घुमा कर ले जाना चाहते हो ना, मैं वहाँ जाता ही नहीं। ये फंस गया मुझे, क्या पता आप मुख्यमंत्री जी हाँ, उनसे वे किस जाति के हैं? ठाकुर हैं। ठाकुरों की बात करी उनसे? भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। लेकिन बोलती है बीजेपी कि आप डिजाइनर किसान नेता हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए एक स्पेशल विमान होगा। एसी में सोते हैं। आसमान में उड़ता ये विमान किसी हवा महल से कम नहीं। ये वो विमान है जिसमें दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत सफर करती। और आप मुझे क्या जाने असल ये बताओ कि एसी से किस किस को एलर्जी है? सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरें उस बोइंग विमान की हैं जिसे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की यात्राओं के लिए खरीदा गया है। हटाओ, एक आदमी बता दो कि मैं एसी में नहीं सोता। वो कह रहे हैं मेरे से जवाब ले रहे, जो धूप में खेतों में काम करता है उस किसान को आप रिप्रेजेंट ही नहीं करते। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। ये अब आए, बिल्कुल बात तो आप बिल्कुल ठीक कहो। ये चाहते हैं कि किसान गरीब रहे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। वो ट्रैक्टर ना चला टूटा हुआ, उसके पास में हल हो बैल हो, और देश का किसान कमजोर रहे। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे। देश का किसान गाड़ी ना ले सके, देश का किसान एसी में ना लौट सके। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो धूप में ही काम करता रहे, देश के लिए अनाज पैदा करता रहे, और तुम यहाँ चमचमाती कोठियों में रहो। थोड़ा गन्ने का जूस मंगाते हैं, थोड़ा और धीरे धीरे ठंडा हो जाओगे, अच्छे आप, से बात करो। आप चीटिंग करते हो। चीटिंग तो आप कर रहे हो, आप करो चीटिंग। पहले बताओ, देश में तिरंगा झंडा बड़ा है, नेशनल फ्लैग बड़ा है, कोई सा और फ्लैग बड़ा है? तिरंगे से बड़ा कोई नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, जो जयपुर में हाई कोर्ट है वो संकी बिल्डिंग है या हाई कोर्ट सरकारी बिल्डिंग होती है? मुझे अपने घर जाना है। हाई कोर्ट लाल किले का कंपैरिजन आप उससे कर रहे हैं? जरा प्यार से, तो हर धर्म का जा सकता है ना। एक मिनट, कुछ भी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। चलिए अब तो आए वापस, बात तो सुनो, कैसे बात की जाए? बात करने हाँ बेटा,
लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। जरा प्यार से बात तो बता दो आप हमको, आप ये बता दो। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। आरएसएस ने बिल्डिंग बनाकर, हाई कोर्ट की बिल्डिंग आरएसएस का ऑफिस था क्या? क्या पकड़ा? तिरंगे झंडे की जगह भगवा झंडा फहराया गया था वहां पे 15 अगस्त को, मुख्यमंत्री ने बीजेपी के ने, कोई कार्रवाई हुई ये नहीं पता ना? आप वो बात क्यों पूछते हैं? अरे जो बताने के काबिल नहीं, ये नॉलेज में है नहीं है आज तक। मैं उस पर उसकी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? नॉलेज में है या नहीं है? आप इससे भाग देश रहे में तिरंगा बड़ा है आप इससे। अगर हमने सही बात बता दी, आग लगा दी। बताओ भाई, तेरी सूरत तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हमने ये कहा कि सुनिए, मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू बता, किसकी जवाब दे? इतने लोगों को वर्दी पर आके, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस की वर्दी पर आके कितनों को खड़ा कर रखा था वहाँ? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आपने पहुंचा बिल्कुल, लेकिन आप चीटिंग करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बीजेपी वाले को चीटिंग करते हो, उनको सवाल देते हो। बात कड़वी है लेकिन सच है, गजब बेइज्जती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैंने देखा आपको बीजेपी वालों के आधे प्रवक्ता चैनल वाले बनते हैं। सही पकड़े हैं। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। आपका धन्यवाद, आपका भी, सभी चैनल का भाई जो ठीक दिखा रहे धन्यवाद, और जिन चैनलों का बीमारी है भाई वो भी धन्यवाद, आपका सबका धन्यवाद।